दोस्तों, खराब जीवन शैली बीमारियों का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। आपकी बुरी आदतें आपके शरीर में धीरे धीरे कई बीमारियों को जन्म देती रहती हैं, जो गंभीर रूप लेने के बाद सामने आती है। हृदय रोग, कम या ज्यादा रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या बहुत ही आम है। ऐसे में सेहतमंद रहने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन से खाद्य पदार्थ आपके लिए फायदेमंद है और किन्हें खाने से आपको परहेज करना चाहिए। कौन से ऐसे आहार हैं जो आपको एक स्वस्थ जीवन की सौगात दे सकते हैं, आइए जानते हैं। फल विटामिन और मिनरल के उच्च स्रोत होते हैं। इनमें कैलोरी की मात्रा तो बेहद कम होती है, लेकिन फाइबर काफी मात्रा में पाया जाता है। फल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप फलों का सेवन अधिक करेंगे तो आपका दिल तंदुरुस्त रहेगा। इसके साथ ही आप उच्च वसा से भरपूर खाद्य पदार्थों से भी दूर रहेंगे। सेब, अनार और आम आदि फलों में उच्च मात्रा में फाइबर और विटामिन होते हैं। कुछ सब्जियों जैसे गाजर, शलजम और टमाटर आदि को आप कच्चा भी खा सकते हैं और भूख लगने पर इन्हें स्नैक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्जियों में फॉलेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो होमोसिस्टरीन के स्तर को कम करती है। सब्जियां जैसे पालक, सलाद और ब्रोकली को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, जो दिल का दौरा पड़ने के खतरे को कम कर देता है। साबुत अनाज में खनिज, प्रोटीन और विटामिन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखते हैं। अलसी जैसे साबुत अनाज में फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इससे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। अलसी के बीजों को पीसकर इसे दही या अन्य खाद्य पदार्थों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। घुलनशील फाइबर भोजन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आती है। जई, जौ, ब्राउन राइस, रोटी और दाल जैसे सेम, मसूर और मटर को भी शामिल करें। बादाम में पॉली न्यूट्रिएंट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट आदि होता है। ये दिल के लिए बेहद फायदेमंद होता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और विटामिन और फाइबर प्रदान कर दिल को स्वस्थ रखता है। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर हृदय की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। इसके साथ ही बादाम आपके मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा रक्तवाहिनियों में रुकावट पैदा कर सकती है। इससे हृदयघात और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक आप जितनी कैलोरी रोजाना लेते हैं उसमें संतृप्त वसा की मात्रा 7% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं ट्रांस फैट में यह मात्रा महज 1% तक होनी चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना 300 मिलीग्राम से अधिक कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ यह जानने की जरूरत नहीं है कि क्या खाया जाए, बल्कि कितना खाया जाए यह जानना भी बेहद जरूरी है। अपनी प्लेट में सीमित भोजन ही लें। सब कुछ भर लेना अच्छी आदत नहीं है। आवश्यकता से अधिक खाने से आप गैर जरूरी अधिक कैलोरी, वसा और कोलेस्ट्रॉल जमा कर लेते हैं। खाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अपनी प्लेट में उतना ही भोजन लें जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। ऑयली और जंक फूड आदि आपकी कमर और दिल दोनों के लिए नुकसानदायक है।